जानलेवा हमला कर सकता है। अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि जब भी कोई जानवर आपके सामने आए तो आप शांत रहें और उस जानवर से बचने की कोशिश करें और इस जानवर की सूचना और फिर तो जिनका मोबाइल फोन नंबर है और नहीं दी चाहिए निकल गई ऊपर गई ऐसे गई गुफा में घुस गई वापस आएगी यहाँ से यहाँ आएगी देखना लगा आएगी यहाँ से कहाँ है पकड़ लो कौन है मैं
ये क्या रीच पकड़ने का जाल है ये? हाँ ये देखिए किस तरह से जाल। वेरी ब्यूटीफुल सीन। जाल कहाँ लगाएंगे पता?
चिल्ला रहा है। कहाँ दिख रही है? कहाँ डैडी? पेड़ के उधर ही देख लो। किस तरह से देखिए बहादुरी से रीच का मुकाबला कर रहे हैं। कहाँ पे गिरे थे? आपने पकड़ा नहीं, बचाया नहीं। तो आपको हाथ पकड़ना था ना, कहीं चोट वोट लग गई थी। छोड़ दिया जाने तो खेल दिया गया, रोज रोज थोड़ी होता है ऐसा, ये भी मजा आना चाहिए। कितना टाइम टीवी है आप देख सकते हैं यहाँ रीच का कितना कहर है, रीच ने कितना को कहर में डाल रखा, कितना को घायल किया, आप देख सकते हैं। देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे, पब्लिक देखिए किस तरह रीच के प्राणों की प्यासी है, डंडे लेके इस तरह से उसके पीछे भाग रहे हैं। अरे आ गई, आ गई, सिर फट गया, सिर फट गया, पंजा मार दिया है, बच्चे को पंजा मार दिया। आदमी है, आदमी यार, भालू नहीं है, आदमी नहीं कहना उसको। अरे उसको उठा रहा है, नीचे गिरा से आपका सामना हो
तो ऐसी घटना के ऊपर आप उसको लाठी और पत्थर से मारना, शोर शराबा करना और रीछ के पीछे भागना, इससे जंगली जानवर और ज्यादा आक्रामक हो सकता है और आपके ऊपर जानलेवा हमला कर सकता है। अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि जब भी कोई जानवर आपके सामने आए तो आप शांत रहें और उस जानवर से बचने की कोशिश करें और इस जानवर की सूचना और फिर जिनका मोबाइल फोन नंबर है फॉरेस्ट ऑफिसर श्री करण सिंह जी राठौड़ का टेलीफोन नंबर है 9414152321 और श्री सक्सेना जी है 9414152320। धन्यवाद धन्यवाद। निकल गई ऊपर गई ऊपर ऐसे गई वो गुफा में घुस गई वापस। आएगी यहाँ से, यहाँ आएगी देखना क्या रीच पकड़ने का जाल है ये? हाँ ये देखिए किस तरह से जाल। वेरी ब्यूटीफुल सीन। जाल कहाँ लगाएंगे पता लेके बाकी की तो उलझ।
भाग बम भाग बम अबली है अबली ये देखते कम है नीचे उधर चली जाएगी मार दीवाल दीवाल पता नहीं आई जी आगे से तो हटते नहीं ऊपर बसर ऊपर बसर तो खतरनाक हो देखा जी उधर जाओ उधर देखिए दलवाड़ा से हम 2 किलोमीटर आगे आएंगे तो आपको मिनी नकिल एक छोटी सी झील दिखाई देगी जिसके चारों ओर नीलगिरी के वृक्ष हैं। हरियाली का दृश्य बहुत ही सुंदर नजारा है। ये आप जो है गाड़ी रोक के या मतलब खिड़कियों में से देख सकते हैं। ये मिनी नकिल एक है। अभी हम गुरु शिखर की तरफ जा रहे हैं।
ओर जा रहे हैं जो माउंट आबू से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। ये देखिए अचलगढ़ की सबसे ऊंचा मंदिर जैन मंदिर है, जिसमें छोटी सी गुफा है, ये गोपीचंद की गुफा है। इसके बाद आपको मंदाकिनी कुंड और एक शिवजी भगवान के मंदिर के दर्शन कराएंगे। ये देखिए ये मंदाकिनी कुंड है, ये देखिए आप देख रहे हैं मंदाकिनी कुंड है। मंदाकिनी कुंड है जो किसी जमाने में घी से भरा हुआ रहता था। और इस सामने देख रहे हैं छोटी छोटी कुटिया आपको नजर आएंगी जहाँ ऋषि मुनि बैठ के हवन किया करते थे। यहाँ पे सारे गांव का घी जमा होता था और इसी घी से हवन कराया करते थे। सामने आपको देखेंगे तीन आपको पाड़े दिखाई देंगे, बल्कि ये पाड़े नहीं वो राक्षस थे जो कि पाड़ों के वेश में आके घी पी जाया करते थे। राजा बहुत परेशान थे, उनके पास बहुत ही शिकायतें आने लगी कि हमारा घी जो है एक दिन में पूरा खत्म हो जाया करता है। तो राजा ने जो है 3 वर्ष तक शिव की आराधना की और एक ऐसा अस्त्र प्राप्त किया जिसको एक तीर से जो तीनों को मार डाला। उनकी ओरिजिनल जो मूर्ति थी उसी समय तोड़ दी गई थी, उनकी याद में पत्थर की मूर्ति बनाई गई थी। उसके पीछे आप देखेंगे नहीं बोलना क्या मत बोलो। ये देखिए ये अचलगढ़ का ये मुख्य बाजार है और यहाँ मुख्य पार्किंग भी है, यहाँ गाड़ियां आपको नजर आएंगी। यहाँ पे देखिए छोटी मोटी दुकानें हैं आप देख सकते हैं। नंदी की खींच सकते हो, मंदिर की बाहर से खींच सकते हो, अंदर शिवलिंग वगैरह है वहाँ नहीं खींच सकते। ठीक है सर, पूरा मंदिर की बाहर से अंदर मंदिर में मत लेना बस।
چلا رہا ہے سے آپ کا سامنا ہو
तो ऐसी घटना के ऊपर आप उसको लाठी और पत्थर से मारना, शोर शराबा करना और रीछ के पीछे भागना, इससे जंगली जानवर और ज्यादा आक्रामक हो सकता है और आपके ऊपर जानलेवा हमला कर सकता है। अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि जब भी कोई जानवर आपके सामने आए तो आप शांत रहें और उस जानवर से बचने की कोशिश करें और इस जानवर की सूचना और फिर जिनका मोबाइल फोन नंबर है फॉरेस्ट ऑफिसर श्री करण सिंह जी राठौड़ का टेलीफोन नंबर है 9414152321 और श्री सक्सेना जी हैं 9414152320। धन्यवाद धन्यवाद। निकल गई ऊपर गई ऊपर ऐसे गई वो गुफा में घुस गई वापस। ये क्या रीच पकड़ने का जाल है ये? हाँ ये देखिए किस तरह से जाल। वेरी ब्यूटीफुल सीन। ¿Qué tal?
لے کے بھاگے گی تو جائے گی اندر کا گھسی پتا نہیں آئی زمین آگے سے تو ہٹتے نہیں دلواڑہ سے ہم 2 کلومیٹر آگے آئیں گے تو آپ کو منی نکیل ایک چھوٹی سی جھیل دکھائی دے گی جس کے چاروں اور نیلگری کے ورکش ہیں ہریالی کا درشیہ بہت ہی سندر نظارہ ہے یہ
یہ آپ جو ہے گاڑی روک کے یا مطلب کھڑکیوں میں سے دیکھ سکتے ہیں، یہ منی نکی لیک ہے. ابھی ہم گرو شکر کی طرف جا رہے ہیں. ہم لوگ اچل گوڑ کی اور جا رہے ہیں جو ماؤنٹ آبو سے لگ بھگ 18 کلومیٹر دور ہے. یہ دیکھیے اچل گڑھ کی سب سے اونچا مندر جین مندر ہے، جس میں چھوٹی سی گفا ہے، یہ گوپی چند کی گفا ہے. اس کے بعد آپ کو مندکنی کنڈ اور ایک شیو جی بھگوان کے مندر کے درشن کرائیں گے. یہ دیکھیے یہ مندکنی کنڈ ہے، یہ دیکھیے آپ دیکھ رہے ہیں مندکنی کنڈ ہے. مندکنی کنڈ ہے جو کسی زمانے میں گھی سے بھرا ہوا رہتا تھا. اور یہ سامنے دیکھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی کٹیاں آپ کو نظر آئیں گی جہاں رشی منی بیٹھ کے ہون کیا کرتے تھے. یہاں پہ سارے گاؤں کا گھی جمع ہوتا تھا اور اسی گھی سے ہون کرایا کرتے تھے. سامنے آپ کو دیکھیں گے تین آپ کو پاڑے دکھائی دیں گے، بلکہ وہ پاڑے نہیں، وہ راکشس تھے جو کہ پاڑوں کے ویش میں آ کے گھی پی جایا کرتے تھے. راجا بہت پریشان تھے، ان کے پاس بہت ہی شکایتیں آنے لگی کہ ہمارا گھی جو ہے ایک دن میں پورا ختم ہو جایا کرتا ہے. تو راجا نے جو ہے 3 ورش تک شیو کی آرادھنا کی اور ایک ایسا استر پراپت کیا جس کو ایک تیر سے جو ہے تینوں کو مار ڈالا. ان کی اوریجنل جو مورتی تھی اسی سمے توڑ دی گئی تھی، ان کی یاد میں پتھر کی مورتی بنائی گئی تھی. اس کے پیچھے آپ دیکھیں گے نہیں بولنا کیا مت بولو. یہ دیکھیے یہ اچل گڑھ کا مکھیا بازار ہے اور یہاں مکھیا پارکنگ بھی ہے، یہاں گاڑیاں آپ کو نظر آئیں گی. یہاں پہ دیکھیے چھوٹی موٹی دکانیں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. نندی کی کھینچ سکتا ہوں، مندر کی باہر سے کھینچ سکتا ہوں، اندر شیولنگ وغیرہ ہے وہاں نہیں کھینچ سکتے. ٹھیک ہے سر، پورا مندر کی باہر باہر سے اندر مندر میں مت لینا بس. جیسا ہو مسئلہ
लोकल बंदा है।